सुप्रभात छात्रों, आप सभी को। जो अपना पिछला लेसन था, यानी जो छठा लेसन था अपना मध्यकालीन यूरोप तीन वर्ग, वो हमारा समाप्त हो गया था कल। उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने दे दिए थे सभी को आपको। तो अभी जो अपना अगला लेसन चलेगा वो है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो पिछला जो लेसन हमने पढ़ा था, ठीक है, वो था हमारा मध्यकालीन यूरोप तीन वर्ग। उसमें हमने देखा अभी सामंतवाद क्या होता है, ठीक है, सामंतवाद का विकास किस प्रकार से हुआ है ना, उसकी अर्थव्यवस्था, सामंतवादी समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति के बारे में हमने देखा, और उनके जो आर्थिक और राजनीतिक जो संबंध थे उनको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। जो कृषक जो थे वो छोड़ करके दासता को जो मुक्ति हो रहे थे, यानी दास प्रथा को मुक्त कर वो नगरों की ओर जा रहे थे, तो जो कैथीड्रल नगर है वो कैसे बना, ठीक है। इसके बाद 14वीं शताब्दी में क्या क्या संकट आए, तो ये सब चीजें हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी। अब जो अगला लेसन जो अपना आ रहा है वह है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि भाई परंपराएं क्या होती हैं। सांस्कृतिक का मतलब भाई अपनी संस्कृति से संबंधित, लेकिन जो परंपराएं हैं ये क्यों बदली, कैसे बदली, क्या चीज होती है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई जो परंपराएं जो होती है, ठीक है, वो पुराने समय से चली आ रही होती है। यानी जैसे कानून हो गया, प्रथा, कहानियां, किंवदंतियां, तो जो परंपरा है वह कानून, प्रथा, कहानी तथा किंवदंती का वह संग्रह है जो मौखिक रूप से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित हो जाता है। यानी जो परंपराएं ये क्या है, सामाजिक विरासत नहीं होती है, बल्कि समाज की जो विरासतें हैं उनका ही एक अंग होती है परंपराएं। जैसे मान लो पहले भाई ऋषि गुरुओं की परंपरा थी, ठीक है, ऋषि होते थे, गुरु होते थे, चेले होते थे, गुरुकुल परंपराएं थी, है ना। अब वो अभी भी चल रही हैं, हालांकि अभी आधुनिक युग में बिल्कुल उनका चेंज हो गया है, जैसे गुरुकुल नए तरीके से चल गए, है ना। और जो अतिथि देव भव, सत्कार करने की अपनी पुरानी परंपरा है, कोई भी अपने घर मेहमान आता है, अतिथि आता है, हम उसका सत्कार करते हैं, तो ये परंपराएं हो गई। एक होता है कि भाई पुराने समय में क्या था और अब नए समय में उस चीज का कितना बदलाव आया है, क्या आया है, कैसे होता है, ये सब चीजें अपनों को इस लेसन में मिलेगा। तो जो परंपराएं हैं वो सदियों से चली आती हैं, ठीक है। पुरानी सदियों में क्या था, शताब्दियों में क्या था, आगे क्या चलेगा, बहुत कई सौ सालों से वो परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं के बारे में ही अपने इस लेसन में देखेंगे। ये अपना लेसन क्या है, यानी इसमें विश्व इतिहास के ही प्रकरण दिए हुए हैं, तो इससे संबंधित ही पुरानी सभी चीजें इसमें आएंगी। अब देखो यहाँ आता है, यूरोप में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच सांस्कृतिक परंपराओं में काफी बदलाव आया, यानी 300 जो साल हो गए ये 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, इनमें जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनमें काफी बदलाव आता है। अब जैसे अपन देखते हैं, अगर आधुनिक युग में अपन देखेंगे तो जो भी त्यौहार बनाते हैं उनको बनाने की जो परंपराएं थी पुराने में, कितने लोग इकट्ठे होते थे, कितना रंग चाव होता था, वो धीरे धीरे अब अलग हो रहा है, नए तरीकों से हो रहा है, है ना। पहले भाई नानी और दादी से जो अपन कहानियां सुनते थे उनमें मजा आता था, अब अपन मोबाइल में भी जो कहानियां सुन लेते हैं तो मजा नहीं आता इतना। तो ये सब इस लेसन के उपलक्ष में ये बताया गया है भाई, मध्यकालीन जो यूरोप का जो वर्ग था, सामंतवाद जो समाज था, वहां 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो सांस्कृतिक परंपराएं थी इनमें काफी बदलाव आ गया, लेकिन परिवर्तन की यह प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं हुई। इसमें सहायक परिस्थितियां काफी पहले से बनने लगी थी, यानी जब ये प्रक्रिया चेंज हो रही थी तो इसके लिए जो परिस्थिति बन रही थी, ठीक है, जो भूमिका बनाई जा रही थी वो काफी पहले से बननी लगी थी। 11वीं शताब्दी, जलवायु में परिवर्तन से यूरोप में गर्मी बढ़ने लगी। अब देखो इसमें बता रखा है, जब 11वीं शताब्दी आई थी, यानी 17वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी 600 साल पूर्व, जब यूरोप के अंदर पहले क्या थी, सर्दी थी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी, है ना, किसान अपनी कृषि कर नहीं पाते थे, तब वहां क्या हुआ कि एकदम मौसम में परिवर्तन आ गया, जलवायु में बदलाव आ गया, वहां यूरोप में गर्मी बढ़ने लग गई थी, इससे कृषि का विस्तार हुआ। जब गर्मी बढ़ने लगी, बर्फ पिघलने लगी, मैदान खाली होने लगे, तो उनमें क्या करने लगे जो कृषक हैं, वो अपनी खेतीबाड़ी करने लगे। बर्फ कम होने से अधिक भूमि को आसानी से जोता हुआ बोया जाता था, यानी बर्फ जब कम हो गई तो भूमि भी ज्यादा होगी, जमीन ज्यादा होगी, उसको भाई खेतीबाड़ी ज्यादा किया जाने लगा। कृषि उपकरणों में भी सुधार आया, खासतौर पर भारी तथा लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग शुरू हुआ। पहले जो कृषि उपकरण थे, ठीक है, किसानों के पास कैसे थे, अपने पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, जो कृषकों की स्थिति थी वो क्या थी भाई, उनके पास लकड़ी के हल थे, ठीक है, यानी हल के आगे, जैसे वो हल अगर चलाते हैं तो हल के आगे एक फाला होता है, जो अपन बोलते हैं अपनी गांव की भाषा में फाला, ठीक है, फाल, जिसको फाला बोलते हैं। तो वो कैसे थे, लकड़ी के थे, तो जो मिट्टी की जो परत होती है उसको ऊपर ऊपर से वो खोद पाते थे, अंदर तक गहराई तक वो नहीं जा पाते थे, जिससे जो कृषि की जो उपजाऊ भूमि थी वो वापिस ऊपर नहीं आ पाती थी, तो फसलें कम होती थी। अब क्या हुआ, इसमें भी बदलाव हो गया। पहले पुरानी परंपरा में क्या था, बे लकड़ी से हल जोते जाने लगे, धीरे धीरे बदलाव आ गया, लोहे की फाल से प्रयोग शुरू हो गया, इससे क्या हुआ,
कृषि में पैदा बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने से फिर जनसंख्या बढ़ने लगी और कृषि के साथ साथ शिल्पों का भी विकास हुआ। जो शिल्पकार थे, ठीक है, कारीगर थे, जो उनकी कलाकारियां थी, उनमें काफी विकास हो गया। इससे नगरों की आबादी में वृद्धि हुई। इसके अलावा कई अन्य तकनीक बदलावों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए पंचक्कियों और पवन चक्कियों का प्रयोग बढ़ा, यानी जब नगर बढ़ गए, लोग बाग जाने लग गए, नगरों की आबादी बढ़ गई। अगर जब नगर बढ़ गए तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी थी वो भी चेंज हो गई, ठीक है। वहां पे आर्थिक विकास काफी बढ़ गया, लोग पैसे कमाने लग गए थे, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या हुआ, जब पंचक्की पवन चक्की का प्रयोग बढ़ गया था, पवन चक्की से यानी जब हवा चलती है तो पंखे घूमते हैं, तो नीचे से क्या होता था उनसे, भाई पानी निकालने की भी थी, आटा वाटा पीसने की भी, मतलब बहुत सारी जो फैक्ट्रियां, जो कंपनियां जो वहां चली थी, वो इनसे प्रयोग होने लगा। धातु गलाने, खासतौर पर लोहा गलाने वाली भट्टियों लग गई, जो लोहा था उसको गला करके दोबारा नया उपकरण बना ले, तो वो भट्टियां भी लग गई थी। जहाज के निर्माण में सुधार आया, जो जहाज से संबंधित यहाँ पानी के जहाजों से है, क्योंकि समुद्री व्यापार के जब रास्ते खुल गए थे, व्यापार आपस में शुरू होने लग गया था, ठीक है, तो जहाज के निर्माण भी काफी अच्छे और उन्नत होने लग गए। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चलने वाले कैरावल जहाज बनाए। पुर्तगाल के जो लोग थे उन्होंने कैसे जहाज बनाए, पहले भारी थे, धीरे चलते थे, अब उन्होंने वजन कम कर दिया और उनमें ऐसी मशीनरी और ऐसी वायु सिस्टम कर दिया कि वो तेज चलने लग गए जहाज काफी। अब यूरोप में कंपास और कागज की जानकारी भी पहुंच चुकी थी। कंपास क्या होता है, कंपास होता है कि भाई दिशाओं का ज्ञान होता है उससे। जैसे मान लो समुद्र है, समुद्र के अंदर अगर आपकी जहाज चल रही है तो वहां दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उसमें रास्ता भटक जाते थे यात्री, ठीक है, काफी साल तक, कई महीनों तक वो समुद्र में उनका खाना भी खत्म हो जाता था, वहीं पे वो मर जाते थे, उनको रास्ता पता ही नहीं चल पाता था। तो पहले कंपास सिस्टम था। कंपास सिस्टम में दिशाएं होती है, जैसे उत्तर दिशा इधर है, दक्षिण इधर है, है ना, पूर्व पश्चिम, दिशाओं के आधार पर ही वो चलते थे। अब तो क्या है, जैसे अब सभी आप मोबाइल चलाते हो, है ना, तो उसमें गूगल अर्थ है। गूगल अर्थ में जैसे हम मान लो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कोई अनजान आदमी, विदेश से जैसे घूमने वाले यात्री आते हैं, या फिर अपने भी जो लोग हैं जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं, वो क्या करते हैं कि गूगल अर्थ में गूगल का मैप सेट कर देते हैं, और उनको कहीं रास्ते में किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं होती है, वो जो गूगल मैप है वो सब रास्ते बता देता है, भाई आप टर्न लेफ्ट, अब आप राइट टर्न करो या लेफ्ट टर्न करो, आप इधर चलो, यहाँ है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, इतने मीटर के ऊपर अभी घुमाव है या पुल है, वो सब चीजें जानकारी मिल जाती है। तो जो अब क्या है कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो परंपरा चेंज होगी, पहले कंपास की परंपरा थी, अभी परंपराएं गूगल मैप की आ गई है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में है, जो पर्यटक आते हैं वो भी कंपास की जगह अब ऐसे थोड़े ना यूज करेंगे, कंपास तो भाई समुद्री रास्तों में, अब समुद्री रास्तों में भी जो जहाज हैं आज के टाइम में, ये बात है 17वीं शताब्दी की, अभी ये 21वीं शताब्दी, तो 400 साल में ये अंतर आ गया, ठीक है। क्या अंतर आया कि भाई जो पानी के जो जहाज हैं उनके भी रोड मैप बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, उनमें रडार सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है, वो एक लाइनिंग होती है रडार सिस्टम, वो जहाज इधर या उधर भटकता है तो उनको पता चल जाता है, वो बिल्कुल सीधे रास्ते से कम समय में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही रास्तों में पहुंचते हैं। तो ये चीजें अभी काफी समय के हिसाब से इनमें परंपराओं में काफी बदलाव आ गया। अब है कि उनके पास देखो कागज की जानकारी पहुंच, कंपास व नए भौगोलिक ज्ञान से नए समुद्री मार्ग खोजने में सहायता मिली, फलते व्यापार के क्षेत्र में क्रांति आने लगी। यानी जब उन्होंने अलग अलग भौगोलिक समुद्र मार्ग खोज लिए, व्यापार उनका बढ़ गया, व्यापारिक क्रांति हो गई, पैसे ज्यादा आने लगे, वस्तु था यूरोप में नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी, यानी यूरोप के अंदर अब धीरे धीरे गांवों से लोग कहां जा रहे थे, नगरों में जा रहे थे, नगर भी महानगर के तौर पर बन रहे थे। नगर खास तौर पर इटली के नगर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला एवं विद्या के केंद्र बनकर उभरे। ये जो जितने नगर थे, ये फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये कला जो इनकी जो कला मतलब जो जितने भी लोग थे उनके पास अलग अलग कलाएं थी, वो उनका केंद्र बनकर उभर गए। इन नगरों को सामंतों या चर्चों से थोड़ी बहुत स्वायत्तता प्राप्त हुई थी, इससे पनप रहे व्यापारी और अमीर लोग कला व साहित्य के विकास में योगदान दे रहे थे। योगदान कैसे दे रहे थे भाई, वो अपना मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, संस्थान खोल रहे थे, पैसे दे रहे थे, उनको मदद कर रहे थे। वे कलावंतों व लेखकों को आश्रय दे रहे थे, जितने भी कलावंत थे, जो लेखक थे, जो उपन्यास वगैरह लिखते थे, उन सबको क्या आश्रय का मतलब होता है, उनको सहारा दे रहे थे, उनको रहने के लिए जगह दे रहे थे, खाना पीना दे रहे थे। इसी समय में मुद्रण के आविष्कार में ज्ञान के प्रसार को बढ़ाया गया, विज्ञान की खोजों ने इसको और आधुनिक बनाने लगे। संक्षेप में कहें तो यह काल तीव्र संक्रमण का काल था, जिसमें पुरानी मान्यताएं बदल रही थी, नई सांस्कृतिक परंपराएं बन रही थी। अब जो भी पुरानी मान्यताएं थी, देखो पुरानी मान्यताओं के अंदर तो सारा कुछ किन पे डिपेंड होते थे, वो सामंतों पे डिपेंड होते थे, अभी वो पूरा उनका डिपेंडिंग सिस्टम था, जिन जो उनके भरोसे रहते थे वो सब समाप्त हो गया था, और क्या होने लग गया, वो फिर धीरे धीरे जो पुरानी मान्यताएं थी वो बदल गई, है ना,
नई संस्कृतियों का नई सांस्कृतिक परंपराएं बन रही थी। इन नई सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व नवजागरण और धर्म सुधार आंदोलन कर रहे थे। प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। यानी जब ये जो पुरानी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, जो पहले से चली आ रही थी, जब वो धीरे धीरे चेंज हो गई, कृषि में बदलाव आ गया, लोगों में बदलाव आ गया, व्यापारिक मार्ग नए बदल गए, लोगों के पास पैसा आ गया, बड़े बड़े महानगर हो गए थे, वहां पर कला और संस्कृति और साहित्य का जो विकास होने लग रहा था, तो उसमें इन सब में कौन कर रहे थे इनका प्रतिनिधित्व? नव जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। यानी छोटी छोटी इस प्रकार की कमेटियां बनी हुई थी, इस प्रकार के ग्रुप्स बने हुए थे जो उन चीजों को काफी आधुनिक और मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। तो पूरा जो आगे अपने जो लेसन पढ़ेंगे अपना, वो इसी के ऊपर आधारित होगा। तो ये आज इसकी कुछ भूमिका थी लेसन की। तो इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उनको अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है, और फिर आगे हम कल नवजागरण का अर्थ एवं परिभाषा, नवजागरण क्या होता है, किस लिए होता है, तो ये हम कल इसमें पढ़ेंगे।